नमस्कार। फर्स्ट प्यार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज देश भर में सावन का पहला सोमवार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बिहार के गया में प्रसिद्ध मारकंडे महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ मारकंडे महादेव के दर्शन कर रहे हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि और शांति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सावन में का ये पहला सोमवार है और मारकंडे महादेव मंदिर में भक्त अपनी आस्था के लिए मंदिर आते हैं और पूजा करते हैं। भक्तों की सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है। यह शहर का बहुत ही पौराणिक मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा पाठ करने से भगवान मारकंडे महादेव जो है भक्तों की सारी मनोकामनाएं बिल्कुल पूरी कर देते हैं। पहले सुबह से ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से कतारों में खड़े होकर लोग मारकंडे महादेव के दर्शन करने के लिए खड़े हैं और किस तरह से पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। इस सारी तमाम बातों पे मंदिर के पुजारी भी बात किए और सावन के खास महीनों में बताया कि भगवान मारकंडे महादेव के किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, पहले उनको सुनिए। मारकंडे ऋषि के द्वारा मारकंडे मंदिर का स्थापना किया गया है जो गया के बैतरणी तालाब के पश्चिम की ओर स्थित है। इसमें तरह तरह के लोग अपने अपने कामनाओं की पूर्ति हेतु यहाँ पे आते हैं और अपने मनोरथ को भगवान मारकंडे बाबा को सुनाते हैं और उनका मनोरथ सिद्ध होता है। उसी के संदर्भ में हम ब्राह्मण लोग भी यहाँ बैठे रहते हैं अपने यजमान के कल्याण के लिए, और उनका कल्याण होता है, उनका मनोरथ सिद्ध होता है और यहाँ अहर्निश पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि चलता रहता है। ये दिन में यहाँ विशेषकर श्रावण बताइए, श्रावण के आज प्रथम सोमवारी का यह विशेष महत्व इसलिए आज हो गया है कि पहला कितने कई सालों के बाद आज श्रावण मास में प्रथम सोमवारी ही पड़ा है, इसलिए श्रावण मास का विशेष महत्व इस वर्ष बढ़ गया है। अपना नाम परिचय? संदीप शास्त्री, गया जी, बिहार जी। इस वर्ष सोमवार से प्रारंभ होकर करके और अंतिम सोमवार भी श्रावण मास के 19 अगस्त को पड़ा है। सोमवार से प्रारंभ होकर के सोमवार से ही अंत होना ये श्रावण मास का अति श्रेयस्कर लाभकारी फल देने वाला योग बनाता है, इसलिए इस वर्ष का श्रावण मास बहुत ही ज़्यादा हितकारी हो जाता है और लोगों को मनोकामना भी सिद्ध हो जाती है इससे। तो आपने सुना मंदिर के पुजारी को, और जिस तरीके से आप लाइन में देख रहे हैं लोग खड़े होकर अपने आस्था के साथ पूजा कर रहे हैं भगवान मारकंडे महादेव का, उनका मानना है कि इस मंदिर में पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जो भी दुख तकलीफें हैं भगवान मारकंडे महादेव हर लेते हैं। और ये मंदिर शहर का सबसे पुराना और पौराणिक मंदिर है। आपको बता दें कि सावन में पूरे देश भर में अलग अलग शिवालय पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, सब लोग जल चढ़ा रहे हैं और कुछ लोग निर्जला उपवास करते हैं, कुछ लोग उपवास ही मात्र करते हैं और बस फ्रूट लेते रहते हैं। सावन में अलग अलग तरीके से भक्त भगवान भोलेनाथ के लिए मनाने की कोशिश करते हैं कि भगवान प्रकट हो जाएं, आशीर्वाद दें हमें और फिर इसके बाद हमारी सारी बिगड़ी बन जाए। तो इस कदर भक्त जो हैं अलग अलग तरीके से, अनोखे तरीके से भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए बिल्कुल बेताब हैं, बेकरार हैं। और सारे जगह पे आज शिवालयों में भीड़ लगा हुआ है, मारकंडे महादेव से लेकर ओंकालेश्वर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक, केदारनाथ मंदिर तक, तमाम शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। फिलहाल आप सबका इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए फर्स्ट प्यार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।